मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ विक्टोरिया की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन्होंने विक्टोरिया जो है उन्होंने जनरल स्किल माइग्रेशन के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है लेना, और ये ऑनशोर के लिए भी है और ऑफशोर के लिए भी है। तो ये गाइडलाइंस हैं कुछ जो कि छपी हैं, मैं आपको गाइडलाइंस जो है उनको एक्सप्लेन करूंगा। और ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो ऑनशोर हैं विक्टोरिया में, उन लोगों के लिए भी जो कि ऑफशोर हैं और बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, हमें पता है कि कोविड के दौरान कुछ भी ऑफशोर को नहीं मिला, ऑफशोर एप्लीकेंट्स को, वो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आज मैं इस हवाले से बात करूँगा। विक्टोरिया ने एक जो लिस्ट छापी है वो ये है कि ऑक्यूपेशन की लिस्ट इन्होंने अलग से नहीं दी, इन्होंने कहा कि हम उसी पर रिलाई करेंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट यानी कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट का जो है ऑक्यूपेशन लिस्ट 190 के लिए, तो वही जो है उसमें चलाएंगे हम। तो आपने ये देखना है कि क्या आप उसमें फॉल करते हैं। मोर और लेस तकरीबन सारी ऑक्यूपेशन ही उसके अंदर कवर हो जाती हैं, इसलिए इन्होंने अलग से कुछ भी नहीं लेके आए। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने बात की, सबसे पहले इन्होंने कहा कि इफ़ यू आर लिविंग एंड वर्किंग इन विक्टोरिया तो आपको क्या क्या चाहिए। उन्होंने कहा इसके लिए एक तो ये है कि आप विक्टोरिया में रह रहे हों और आप अपना काम कर रहे हो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अच्छा, ये बात समझने की है, इन्होंने ये नहीं कहा कि जो आपकी ऑक्यूपेशन असेस्ड है उसी ऑक्यूपेशन में आप काम कर रहे हो। इन्होंने कहा आप स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट में हो, जो कि एनस्को के अंदर स्किल लेवल 1, 2, 3 यानी 1 में हो, 2 में हो या 3 में हो, तो इसको चेक किया जा सकता है कि आप कौन से ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं और आपका स्किल लेवल क्या है। ये बड़ा आसान तरीका है, तो उन्होंने ये कहा कि ये करें। अच्छा, इसके अलावा ये कहा कि हमें और सबूत भी चाहिए इस हवाले से। सबूत क्या क्या चाहिए? सबूत चाहिए जी आपकी सैलरी स्लिप्स हों, उसके अलावा आपका जो सुपरनेशन फंड जो है उसमें जो रिसेंट कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर ने किया है वो, इसके अलावा जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मांगेंगे। आगे चल के अगर इनको ये लगता है हमें मज़ीद चीज़ें आपसे चाहिए तो वो भी मांगेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से ये बात की। अच्छा, एक और चीज़ जो विक्टोरिया ने बात की, उन्होंने कहा कि आप कितने कमा रहे हैं। तो एक सवाल उठ रहा है, वो सवाल ये है कि कितने कमा रहे हैं का क्या मतलब है। तो भाई, आप अपनी जॉब से जितने भी कमा रहे हैं ग्रॉस, यानी कि जो टैक्स देने से पहले पहले आप जितनी भी आपकी इनकम है आपने उसको डिक्लेयर करना है। बहुत सिंपल सी बात है। उस डिक्लेरेशन का ये है कि इन्होंने कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही, सिंपली उस कैलकुलेटर पर जाएँ, जाके अपनी वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली जो भी आपकी सैलरी है या आप जो भी कमा रहे हैं आपकी इनकम है, अब वहाँ पे एंटर करें और आपको ये दिखा देगा कि आपको एनुअली कितनी दिखानी है। एक बात ध्यान में रखें कि आपने उतना ही लिखना है कि जितना आप कमा रहे हैं, यानी मुझे नहीं लगता कि इस बात से फ़र्क पड़ने वाला है कि आप कम कमा रहे हैं या ज़्यादा, ऐसा कुछ भी मेरी नज़र से नहीं गुजरा, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो चीज़ों को आपने वही लिखना है जिस तरह वो मौजूद हैं, क्योंकि अगर आप मिसलीडिंग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे तो इसका नतीजा जो है वो रिफ्यूज़ल ही है और कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, ऑफशोर के हवाले से इन्होंने बात की, इन्होंने ऑफशोर की बात ये की कि हम ऑफशोर एप्लीकेंट्स को भी कंसिडर करेंगे। अगेन वही लिस्ट है। अच्छा, एक और चीज़ ऑफशोर के लिए इन्होंने ओपन कर दिया, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो लोग इंटरस्टेट रह रहे हैं, यानी कि अगर वो विक्टोरिया में नहीं है, ऑनशोर ऑस्ट्रेलिया में है, किसी और स्टेट में रह रहे हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। तो ये ऑफशोर के लिए है, उनके लिए नहीं है जो कि दूसरी स्टेट्स या टेरिटरीज के रह रहे हैं एक्सेप्ट विक्टोरिया, तो इनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑफशोर के लिए है। ऑफशोर के लिए भी यही बात की कि आपने करनी है EOI, ROI, तो उन सब चीज़ों को आपने साथ लेके चलना है। तो ऑफशोर के हवाले से भी इन्होंने छाप दिया। अच्छा, फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसके अंदर उन्होंने ये बात की, जो फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्किल असेसमेंट होनी चाहिए और मिनिमम 12 वीक्स का आपका वो वैलिडिटी उसकी रह चुकी हो जब आप अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, इससे मुझे ये इंडिकेट होता है कि ऐसा मुमकिन है, इन्होंने कहा कि 12 वीक्स का आपका वैलिडिटी हो, तो 12 वीक्स के अंदर अंदर ही आपको कोई ये जवाब देने वाले हैं। तो एक ये, दूसरा इंग्लिश के हवाले से बात की, इंग्लिश इन्होंने कोई एक्सेप्शनल चीज़ों को नहीं लेके गए, इन्होंने कहा कॉम्पिटेंट इंग्लिश जो मौजूद है वही होनी चाहिए, तो इंग्लिश की भी ये बात की। अच्छा, इसके अलावा ये कहा कि विक्टोरिया में रहने की कमिटमेंट भी आपने देनी है। आप कमिटमेंट का मतलब समझिए। देखिए, इन्होंने ये कहा कि 190 के लिए आपको एक फॉर्म अलग से ये है डिक्लेरेशन का, वो आपने कमिटमेंट देनी है कि आप
ग्रांट के बाद, या अगर ऑफशोर ग्रांट हुआ तो आप ऑस्ट्रेलिया आने के ऑनवर्ड डे वन से आप 2 साल के लिए रहेंगे विक्टोरिया के अंदर। तो ये इन्होंने कहा कि डिक्लेरेशन फॉर्म हम देंगे। दूसरा, प्रोविजनल वीजे की बात की, यानी 491 की इन्होंने बात की। 491 के लिए कहा कि आप अपने प्रोविजनल वीजा के दौरान, सारे अरसे के दौरान आप रहेंगे विक्टोरिया में। मतलब ये हुआ कि आप 491 से फिर उसके बाद स्टेट चेंज नहीं कर सकेंगे। इन्होंने आपसे ऑलरेडी डिक्लेरेशन ले लिया, तो इसके ऊपर भी आपने एक तवज्जो करनी है कि भाई इन्होंने ये डिक्लेरेशन ले लिया है, और कल कलां को जब ग्रांट हो जाता है, आप कोई कोशिश करते हैं, आपको एग्जेम्पशन नहीं है, तो ये ब्रीच के जिम्मे में आ सकता है और विक्टोरियन गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है। इसके अलावा इन्होंने ये बात की जी नॉमिनेशन ऑब्लिगेशंस आपकी क्या हैं, हम आपको ईमेल भेजेंगे तो 2 वीक्स के अंदर अंदर आपने रिस्पॉन्ड करना है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं देनी, फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। तो इस तरह की सारी चीज़ें छपी हैं जो कि विक्टोरियन जो जनरल स्किल माइग्रेशन के हवाले से। अच्छा, इसका तरीकाकार ये है कि आमतौर पर क्या होता है, बहुत सारी स्टेट्स ये हैं, वो आपने सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लिया तो बात बन गई, नहीं, इसमें एक और चीज़ एडिशनली आपने ये करनी है, आपने EOI करनी है, और EOI के अगेंस्ट ही उसी तरह उसमें डिस्क्रिपेंसी कोई ना आए, आपने ROI करनी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये बात ध्यान में रखें, नो मोर टारगेट सेक्टर्स, नो मोर क्रिटिकल सेक्टर्स जो है वो अभी बिल्कुल एक्सक्लूड हुए हुए हैं, जो इसमें रिमूव हो गए हैं विक्टोरियन जो गवर्नमेंट है जनरल स्किल माइग्रेशन से, उन्होंने कर दी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा तरीकाकार है, आपने अपना अप्लाई करना है, बड़े ध्यान से करना है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे या आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं या किसी एक्सपर्ट से करवा सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर। तो ये एक गाइडलाइन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है विक्टोरियन जो जनरल स्किल माइग्रेशन के हवाले से। आपका कोई सवाल है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।